ची रोड पर देवनगर के समीप बीडी गुप्ता पार्क के सामने रोड जाम है। ये सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई थी, उसके विरोध स्वरूप आज तक गाड़ी चालक का पता नहीं चल पाया है। 13 मई की बात है ये, और ये लोग जो रोध स्वरूप रोड जाम कर रहे हैं ये आपको हम दिखाएंगे। अबे इस तरफ ना आवे, एक मिनट सर, एक मिनट बताना क्या मामला है। ये 13/5/22 पे एक एक्सीडेंट हुआ सुबह सुबह, रोहन नाम के लड़के का, उसका FIR 285 रजिस्ट्रेशन में केस है, ठीक है, और CCTV कैमरा के निरीक्षण किया जा रहा है, IDABR फार्म भर चुका है। तो आज इनका क्या कहना क्या है था? इनका वो क्लेम का था, हमने NH वाला फार्म भर देंगे, भर दिया, भर देंगे, पर अभी आएंगे से भर देंगे। ये रोड जाम ये NH फार्म के लिए कराया सर इन्होंने? नहीं नहीं, वो कल्प्रिट्स गाड़ी पकड़ने के लिए। अभी तक गाड़ी पकड़ी नहीं गई है सर? CCTV कैमरा के निरीक्षण किया जा रहा है। अधिकारी बताए हम 2 दिन से ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। एक सप्ताह 2 दिन का दिया गया है, पुलिस कार्रवाई के सिर्फ 2 दिन दिए हैं, जो एक हफ्ते का समय दिया है, जो क्लेम के फार्म भरने हैं और भरना है उनका समय दिया है हमने इनको, पुलिस को सिर्फ 2 दिन का समय दिया है, पुलिस को 2 दिन का समय, प्रशासन के लिए एक हफ्ता है, 2 दिन में थोड़ा बड़ा समाधान का सारा करना चाहिए। अंटी आदमी है ये, भी अपना अपने हिसाब से होगा सारा काम। बता दिया बात है, एक हफ्ते का टाइम दे रखा है, और सारे तो पूरी पंचायतों भरी पंचायतों में जबान दे रखी है आशी गेट जाम करवावांगे, एक हफ्ता में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आशी गेट में जाम करांगे भाई, क्या बात मैंने बता दियो, सारा परिवार रखिया हम कोई को नहीं आ रहा है, सारे दिन तो आ रहे हैं, सारा परिवार है वो। हमारी आंखों के आगे हो चुके हैं जी, यहाँ पे ना कोई ब्रेकर है ना कोई सुनाई करती सरकार, रिक्शा आदमी था जी, और इनकी MBC था, ये कई साल तक पैरालाइज है, 2 बेटे थे, एक 16 साल का जो एक्सपायर हो गया, सड़क दुर्घटना में इसकी मौत हो गई, तो उनके में से हाँ, उनकी उनकी पत्नी माँ है ये, माँ वो तो 16.5 साल का लड़का था, हाँ जी, और एक 17.5 साल का उसका बड़ा बस 2 बच्चे थे उनका जी, और ये पैरालाइज है कई साल तक, कुछ हाल फिर नहीं सकती, वो खुद ही बेटे हो गए, इनकी सेवा करा करते, कपड़े लगते ही वह कराया करते, खाना तक नहीं खा सकती, और गरीब से आदमी है ये बेचारे, इनकी जगह कोई अमीर आदमी या VIP कल तरह कोई आदमी SP या पुलिस वाला का लड़का होता नहीं, अपने वो अंदर पाते पुलिस वालों ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस वाला ने आश्वासन दिया कि हम हासी तक सारे कैमरे चेक करांगे, अच्छी तरह और कोई समाधान डालेंगे, और ब्रेकर की ने डिमांड करी थी एक इन कोई भाई कले मिल जाए सामाजिक, उस पर जो इनकी वो है तो इनका सारा लाभ जाएगा, गरीब सा परिवार है। कितने दिन का टाइम दिया पुलिस ने? हफ्ता का टाइम दिया, प्रशासन 2 दिन में कार्रवाई करेंगे पूरी, और हफ्ते में सारा भगवान की दया से इनको क्लेम का भी सब प्रबंध हो जाएगा, कह रहे हैं प्रशासन नहीं करे फिर करे, बोल भी नहीं सकते, कपड़े खुद से नहीं डाल सकते, इनका एकमात्र सहारा था वो लड़का, इनको नहलाता था, धुलाता था, खाना खिलाता था, इनका एकमात्र सहारा था, गरीब परिवार से है, अगर कोई समृद्ध परिवार होता तो क्या पता अभी तक उच्च स्तर की कोई बड़ी कार्रवाई होगी जाती, ये गरीब परिवार है, आज जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, आज जो हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं वो सिर्फ इसलिए इकट्ठे हुए ताकि इनको ये ना लगे कि हम सिर्फ अकेले हैं, इनके साथ पूरी कॉलोनी पूरा समाज पूरा रहनी खड़ा है, पुलिस प्रशासन को 2 दिन का समय दिया है, प्रशासन को
सात दिन का समय दिया गया है। जो भी इनका क्लेम का प्रोसीजर है जो भी है उनके लिए एक हफ्ते का और पुलिस कार्रवाई के लिए दो दिन का। एक्सीडेंट में जो गाड़ी थी वो अभी तक पकड़ी नहीं गई, गाड़ी अभी तक ट्रेस नहीं हुई है। सबसे पहली मांग तो यही है प्रशासन से कि जो गाड़ी है वो अभी तक ट्रेस नहीं हो पाई है। हालांकि यहाँ खूब कैमरे लगे हुए हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठान बने हुए हैं, सब में कैमरे लगे हुए हैं, किसी भी कैमरे की फुटेज नहीं निकाली गई अभी तक। तो हमारी पुलिस प्रशासन से यही मांग थी कि सारी फुटेज लेंगे और उचित कार्रवाई की जाए, जो गाड़ी वाला है उसको जल्दी से जल्दी ट्रेस करके। साढ़े चार और पाँच के बीच का दो चार गाड़ी गई होंगी, पांच गई होंगी, तो आराम से पुलिस आती है तो आराम से उसके बारे में पकड़ सकती है। भाई आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने पुलिस वालों को भी ये बात बताई है, अगर एक हफ्ते में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये जो जाम लगा है समय भी ज्यादा होगा, भीड़ भी ज्यादा होगी, आदमी भी ज्यादा होंगे और सख्त से सख्त फैसला लिया जाएगा उसमें। तो हमारी यही मांग है। ठीक है जी, ये भिवानी हाँसी मार्ग पर अभी फिलहाल रोड जाम था जो अभी खुल गया है, पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया है, पुलिस की तरफ से दो दिन का समय दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दो दिन में जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उनको चेक करवाया जाएगा और गाड़ी का पता किया जाएगा। ये जो लोग हैं देवनगर के जो निवासी हैं इनका कहना है कि यदि दो दिन तक कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की कोई तो ठोस कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। और इनका ये कहना है हाँसी रोड को, हाँसी चौक को ये जाम भी करेंगे। और ये आज जो ये बता रहे हैं इनकी संख्या कम है लेकिन आगे संख्या ज्यादा होगी। हम ये कह सकते हैं पुलिस यदि इस मामले को ट्रेस नहीं कर पाती है, यदि गाड़ी चालक या गाड़ी को ट्रेस नहीं कर पाती है तो इनमें रोष है और ये रोष कोई गंभीर रूप धारण कर सकता है। हम ये कह सकते हैं पुलिस को जल्दी से जल्दी इस मामले में ट्रेस करना चाहिए।